हेलो हाय गाइस, वेलकम टू एस प्रोइंग। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए इंटरसेप्टर 650। तो आइए देखते हैं वीडियो। तो ये इसकी बैरिंग है इस फॉग लाइट की, तो उसको करते हैं चालू, देखते हैं ये चालू है या नहीं। हमने इसमें मेन कनेक्शन लगा दिया है। अब ये हमारी फॉग लाइट करते हैं, ये देते हैं आर्थ इसको, ये बिल्कुल काम नहीं कर रही, तो हमारी फॉग लाइट खराब है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, खराब है, इसको हटाते हैं यहाँ से। और आप भी भाई ध्यान रखो, अगर आपके ऐसे फॉग लाइट लगवा रहे हो तो किसी अच्छे टेक्नीशियन से लगाओ जिसको नॉलेज हो, ऐसे वायर कट ना करें जिससे हमारी वायरिंग में आगे दिक्कत आए। तो ये अपना आरी का लाइट है, यूनिवर्सल जो आफ्टर मार्केट में देता है, इसको करते हैं चालू। इसके कनेक्शन हटा चुके थे, तो इसको देना ही अर्थ और ऐसे जल जाएगा। एक करते चाबी ऑन, ये हमारा जल गया। तो अभी हम जो इसमें यही चालू करेंगे, बाकी फॉग लाइट हटा देंगे। तो ये जो हमारी फॉग लाइट है ख़राब हो चुकी हैं, अब लगाते हैं इसमें नई फॉग लाइट, वो भी आपको दिखाएंगे कौन सी कंपनी की है, और करते हैं फिटिंग। ये हमारी फॉग लाइट है और 4 LED वाली है, आप देख सकते हो। ये हम इसमें फिट करने जा रहे हैं, जो इनकी जो है वो ख़राब हो चुकी है। और ये भी दिखाएंगे इसमें क्या क्या सामान आता है स्टॉल के लिए। इसमें सारा कुछ आता है, इसका ब्रैकेट, नट बोर्ड, एलंकी, सब कुछ आता है। तो चलिए दिखाते हैं वो भी आपको। तो ये इसका ब्रैकेट है, देख सकते हो, ये माउंट ब्रैकेट है, ये इसका नट, ये बोल्ट, और इसमें एलंकी भी है, 5 नंबर की एलंकी है, 5 नंबर का बोल्ट है। मतलब कि पूरी फिटिंग आती है, हमें सिर्फ लगाना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो हाँ, तो दोस्तों जैसे देख सकते हो, मैंने अपनी जो फॉग लाइट थी वो पुरानी थी वो हटा दी, इसमें नई इंस्टॉल कर दी है फॉग लाइटें दोनों, और अपना वायरिंग भी कंप्लीट हो चुका। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप उस टेक्नीशियन के पास जाओ जिसको नॉलेज हो, तो जो कि इसकी जो वायरिंग कर रखी थी पहले, पूरी वायरिंग काट रखी थी, अब प्रॉपर टेप से और प्रॉपर वायरिंग जो बेकार थी उसको निकाल दिया है, और कहीं से कोई वायरिंग कटनी है। जो हमने जैसे सॉकेट बनाया है वो है प्लग एंड प्ले, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है इसका सॉकेट। अगर आप इस सॉकेट को हटा दोगे तो आपकी फॉग लाइट नहीं चलेंगी, वो भी मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। सबसे पहले करता हूँ इसकी चाबी ऑन, अपने इंडिकेटर चालू हो चुके थे, और ये इसका बटन है, ऑन कर दिया लेकिन नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि हमने जो इसका सॉकेट था निकाल चुके हैं, और हमने इस वायरिंग को ध्यान दिया था कि जो नई बाइकें आती हैं आजकल, ताकि उनकी वारंटी ना फेल हो, वारंटी में कोई दिक्कत ना हो और वायरिंग कोई कटे ना। तो अब इसको लगाते हैं सॉकेट, तो लगाते ही फॉग लाइट चालू हो जाएंगी। आपको देखना, जैसे कि आपने देखा, सॉकेट लगाते ही आपकी फॉग लाइट एकदम चालू होगी। मतलब कि जो मैंने वायरिंग करी है वो आप भी इस तरीके से करा सकते हो, अगर आपका कोई अच्छा टेक्नीशियन है, नहीं तो आप हमारे पास भी आ सकते हो। हम ये बाइक इस तरीके से वायरिंग करते हैं ताकि आपकी वायरिंग में कोई दिक्कत ना हो और वारंटी में कोई परेशानी ना हो। तो यह है प्लग एंड प्ले, आप इस तरीके लगा सकते हो। तो जैसे ऑल ओवर हमारी बाइक पूरी रेडी हो चुकी है, फॉग लाइट लग चुकी है और पुरानी फॉग लाइट हटा चुके हैं, और इसमें हमने एक हेडलाइट बल्ब भी चेंज करा, वो भी आपको दिखाएंगे फिटिंग करने के बाद कि कैसे जल रहा है और क्या फॉग है। तो चलिए लगाते हैं इसकी हेडलाइट। तो ये इसका पार्किंग बल्ब का सॉकेट है, तरीके से लगेगा, और ये हेडलाइट का वो इसमें आएगा। ये भी हेडलाइट प्लग एंड प्ले वाली है, इस तरीके से आएगा। इसमें पहले टेप लगा लेंगे ताकि कोई वायरिंग में शॉर्टेज ना हो, तो टेप लगा लें, क्योंकि यार वायरिंग में कहीं भी शॉर्टेज की दिक्कत ना हो, कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए सेफ्टी के लिए अपने टेप लगा लें। तो अभी हमारी फिलहाल टेप लग चुकी है, और करते हैं हेडलाइट फिटिंग। तो जैसे आप देख सकते हो, हमारी लाइट फिटिंग हो चुकी है। इसमें ये वाला बल्ब है, और उसके लिए पहले लगाते हैं जाली। देख सकते हो अपनी अपनी लाइट पूरी प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है, और ये फोकस दिख रहा है, और ये जाली भी फिटिंग हो चुकी है। और निकालते हैं गाड़ी को बाहर, बाइक को रोड पर लेके, और उसका जो फोकस है वो सेट करते हैं। ऐसे ही देख सकते हो, हम आ चुके हैं अपनी पुरानी जगह, जहाँ पर हम इसका जहाँ तक हम ज़्यादा फॉग लाइट का जहाँ व्यू दिखाते हैं आपको कि व्यू कैसा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम अंधेरा है, सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और ये अपनी इंटरसेप्टर बाइक यहाँ पे आ चुकी है। तो सबसे पहले करते हैं इसकी चाबी ऑन, और सबसे पहले होगी इसकी लाइट ऑन। ओ तो देख सकते हो, ये हमारी इसमें हेडलाइट है, और ये है अभी लोबिंग। मैं आपको उसकी हाइबिंग दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसका हाइबिंग का लोगो। तो फोकस कितना प्यारा आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, तो बहुत बढ़िया फोकस है। सामने वाला ट्रक प्रॉपर एक एक चीज़ नज़र आ रही, रोड पे अगर चल रहे हो तो आपको प्रॉपर नज़र आएगी। तो ये करते हैं इसकी लोबिंग, देख सकते हो ये इसकी हाइबिंग। उसकी हाइबिंग की रेंज कितनी ज़्यादा है आपको नज़र आ रही है। यार ये पीछे शादी हो रही है तो आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। बाकी यार आप व्यू देखो, आवाज़ मत सुनो। तो ये तो होगी हमारी हेडलाइट। आप करते हैं बाइक को स्टार्ट,
अपनी बाइक स्टार्ट हो चुकी है और इसका करते हैं जो हमने लगाई है इसकी फॉग लाइट है यहाँ पे, उसको करते हैं चालू। तो ये फॉग लाइट है, आप देख सकते हो इसका कहाँ से रेंज आ रही है, काफ़ी पहले क्या था, एक मैं बंद करता हूँ। तो देख सकते हो अभी हमारा जो आगे का फॉग है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है, जो हमारी लाइट है उस तरीके। अब करते हैं हमारी फॉग लाइट चालू और अभी देखो कितना अंधेरा। अब एक लाइट चालू देखो, ये देखो एकदम पूरा ब्राइट नाइट, एकदम उजाला हो गया, एक एक चीज़ नज़र आ रही है वहाँ के, एक एक पार्ट, एक एक हर चीज़ नज़र आ रही है, हर तरीके से उजाला हो गया। तो हमारी फॉग लाइट इंस्टॉलमेंट हो चुकी है प्रॉपर। मैं आपको आगे से गाड़ी दिखाना चाहूँगा कुछ किस तरीके से लगती है, कुछ ज़्यादा डेंजर लग रही है। तो हमारी बाइक आगे से कुछ ऐसे दिखती है। तो यार लुक कितना प्यारा आ रहा है आप देख सकते हो। तो ये दोनों आपको आँखों को अंधा कर देंगी, वो हेडलाइट है, ये दोनों फॉग लाइट है लगा चुके हैं और कुछ इस तरीके से हमारी इंटरेस्ट यहाँ से नज़र आ रही है आपको, ये देख सकते हो। तो ये कुछ फ़ोटो है जो आपको इंटरसेप्टर से नज़र आएगी। तो ये हमारी फॉग लाइट इंस्टॉल हो चुकी है और मैं आपको गाड़ी का जो आपको गाड़ी का व्यू प्रॉपर दिखा चुका हूँ। तो चलिए वो दोस्तों करते हैं अपने वर्कशॉप पे बाकी वीडियो वहाँ पे। हाँ दोस्तों आ चुके हैं अपनी वर्कशॉप के अंदर, ये मेरी वर्कशॉप नाम है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो AS प्रो वर्किंग KTM सर्विस, तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। और हमारी ये वर्कशॉप, हमारी ये बाइकें यहाँ ठीक होती हैं। बाकी जैसे कि आपने देखा इंटरसेप्टर फॉग लाइट लगाई है हमने, वो प्रॉपर इंस्टॉलमेंट हो चुकी है